उधर यूक्रेन में चल रही जंग के चक्कर में जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज बुरी तरह फंस गए। अब खबर है कि पुतिन से उनकी दोस्ती उन्हें इतनी भारी पड़ने वाली है कि उनकी कुर्सी तक छिन सकती है। खबर है कि जर्मनी में विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यहां तक कि उनके अपने गठबंधन की पार्टियां भी उनका साथ नहीं दे रही। वैसे तो जंग छिड़ने की शुरुआत से ही जर्मनी की नीति और नियत पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब जब यूक्रेन को हथियार देने से जर्मनी ने इनकार किया तो चांसलर ओलाफ शोल्ज चौतरफा घिर गए। एक तरफ जेलेंस्की ने जर्मनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ नेटो देशों में भी जर्मनी के खिलाफ आवाज उठने लगी। ऊपर से वो जर्मनी में ही बुरी तरह घिर गए। जेलेंस्की ने इस बार सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन चलाया है। कैंपेन के जरिए वो दुनिया के बड़े देशों से हथियार मांग रहे हैं ताकि जंग में रूस को जवाब दिया जा सके, लेकिन जर्मनी के चांसलर ने इस बार जेलेंस्की की मांग को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दोहराया कि नेटो इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जर्मनी की भूमिका पर भी उन्होंने सफाई दी। चांसलर के मुताबिक जर्मनी अपनी सेना के बहुत से हथियार पहले ही यूक्रेन को दे चुका है, लेकिन और हथियार दिए जाने मुमकिन नहीं है। और यूक्रेन को इतना कड़ा जवाब जर्मनी के लोगों को ही चुभने लगा। खबर है कि जर्मनी के लोगों में भी यूक्रेन और वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए हमदर्दी है। इसी हमदर्दी को वहां की राजनीतिक पार्टियां भी समझ रही हैं। वहां की विपक्षी पार्टियों ने संसद में एक प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। ये प्रस्ताव यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने के लिए है। खबर है कि चांसलर ओलाफ शोल्ज के समर्थक भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दे सकते हैं। अगर विपक्ष ये प्रस्ताव पास कराने में कामयाब हो गया तो सियासी भूचाल आ जाएगा, चांसलर पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ेगा और उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ जाएगा। जिसकी बड़ी वजह यह है कि जंग छिड़ने के बाद से ही जर्मनी के चांसलर अपने देश में लगातार विरोध झेल रहे हैं। मतलब यह कि विवाद केवल उनके ताजा बयान पर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि ताजा विवाद तो पहले से बिगड़ रहे हालात को अंजाम तक पहुंचाने वाला बन गया। क्योंकि जंग छिड़ने से ठीक पहले भी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कीव और मॉस्को का दौरा किया था, लेकिन बीच बचाव की कोशिश के बाद भी वो जंग को टालने में नाकाम रहे। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर रोक लगाकर उन्होंने पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश तो की, लेकिन पुतिन के इरादे बदल नहीं पाए। जंग छिड़ने के बाद भी जर्मनी अपनी जरूरत की 55% नेचुरल गैस रूस से मंगवा रहा है। ऊपर से जेलेंस्की ने आरोप लगा दिया कि रूस की गैस लेने वाले देश ही इस जंग को फाइनेंस कर रहे हैं। इसके बाद नेटो के यूक्रेन से किनारा करने के लिए भी जर्मनी और फ्रांस को दोषी माना जाने लगा। इस बीच जेलेंस्की बार बार जर्मनी पर हमले बोलते रहे, जिसकी वजह से चांसलर ओलाफ शोल्ज के खिलाफ माहौल बनता चला गया। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने प्रतिबंधों पर पलटवार के लिए 1 जून की डेडलाइन तय कर दी। इस बार पुतिन ने सख्त संदेश देने की चेतावनी दी और ये सख्ती होगी पश्चिमी देशों पर। इसके लिए पुतिन ने अपने मंत्रियों के साथ एक ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों ने रूस पर बैन लगाकर विश्व व्यापार संगठन के नियमों को तोड़ा। अब पुतिन ने अपने मंत्रियों को आगे की रणनीति बनाने के निर्देश दिए ताकि अमेरिका और दूसरे देशों पर पलटवार किया जा सके। पुतिन की इसी बैठक में रूस के मेटल सेक्टर को संकट से उबारने पर भी चर्चा की गई, क्योंकि पुतिन भी मानते हैं कि पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें जंग से और झटके लगने का डर सता गया और उनके डर की एक बड़ी वजह IMF का अनुमान भी है, जिसने अनुमान जताया कि जंग और प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था 8.5% तक गिर सकती है। IMF के इसी अनुमान के बाद रूसी राष्ट्रपति अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में जुट गए। पुतिन ने फरवरी में युद्ध तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा असर डालेगा। कोरोना संकट ने पहले ही रूस समेत दुनिया भर में रोजगार पर बड़ी चोट की थी, फिर रही सही कसर यूक्रेन जंग ने पूरी कर दी। यानी पिछले 2.5 साल में दुनिया का आर्थिक ढांचा बुरी तरह बिगड़ चुका है। इसी जंग की वजह से रूस के स्टील सेक्टर पर भी बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में पुतिन अपने कारोबारियों को राहत देने के लिए नए प्लान बनाने में जुट चुके हैं। उधर कहा जा रहा है कि यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन के मुद्दे पर ही फ्रांस में अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। फ्रांस में रविवार को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन इसी चुनाव से पहले फ्रांस में सियासी पारा और चढ़ गया। असल में अमेरिकी चुनाव की तरह वहां के टीवी स्टूडियो में भी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवारों में बहस हुई। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और उनकी विरोधी नेता मारीन लेपेन के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। इस दौरान मैक्रों ने उन्हें जमकर निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि मारीन लेपेन रूस के पैसे लेकर चुनाव में कूदी। फ्रांस में पहले दौर का मतदान 10 अप्रैल को हुआ था और अब 3 दिनों के अंदर अगले राष्ट्रपति की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। यानी बाजी मैक्रों के हाथ लगेगी या फिर मरीन के।
ये जल्द ही पता चल जाएगा। मारिन 53 साल की, उन्हें पुतिन का दोस्त बताया जाता है और इसी वजह से मैक्रों ने उन्हें हर बार निशाना बनाया। मैक्रों ने इस पैसे का जो मुद्दा उठाया वो 7 साल पुराना है। कहा जाता है कि मारिन की पार्टी को 2014-15 में रूस के बैंकों से 9 करोड़ का लोन मिला था। इसी पर मैक्रों की दलील है कि अगर मारिन सत्ता में आई तो वो हमेशा रूस के आगे झुकी रहेंगी, यानी पुतिन के इशारों पर नाचेंगी। लेकिन इन हमलों पर मारिन ने फिर वही सफाई दी। उन्होंने साफ किया कि सरकार के दबाव की वजह से उनकी पार्टी को फ्रांस के बैंकों ने लोन नहीं दिया। पर इस सफाई के बावजूद 7 साल पुराना ये मामला रह रहकर मारिन के लिए गले की हड्डी बन जाता है, क्योंकि आरोप है कि पुतिन से दोस्ती की वजह से लोन चुकाने में मारिन को मोहलत मिलती रही। एक तरह से रूस इस लोन को आगे बढ़ाता रहा। यानी मैक्रों के कहने का मतलब है कि रूस ने लोन के बहाने ये पैसे मारिन को दे दिए। लेकिन सवाल ये उठा कि मारिन पर आखिर पुतिन इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है नेटो, जिसे मारिन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। मारिन ने चुनाव के प्रचार के दौरान कई बार कहा कि वो राष्ट्रपति बनते ही फ्रांस को नेटो से अलग कर देंगे। अब अगर मारिन सत्ता में आ गई तो यूरोप में पुतिन का सबसे बड़ा रास्ता आसान हो सकता है, क्योंकि पुतिन भी नेटो के विरोध में। वैसे भी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ऐसे में कहा जाता है कि पुतिन फ्रांस में मारिन को सहारा देकर यूरोप में अपने राजनीतिक समीकरण साधना चाहते हैं। यानी यूक्रेन से जंग में उलझे पुतिन एक झटके में अपना सबसे बड़ा कांटा निकाल देंगे। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगने का दावा हो रहा है। खबर है कि रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर उस मारियुपोल शहर पर कब्जा जमा लिया है जिसे बीते कई दिनों से रूसी सेना अपने अधिकार में लेना चाहती थी। मारियुपोल में अपने आखिरी हमले को अंजाम देते हुए रमजान कादिरव के लड़ाकों ने उस अजोवस्तल स्टील प्लांट पर ताबड़तोड़ हमला किया जहां यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए थे। पुतिन की घातक सेना का जश्न। मारियुपोल पर कब्जे का जश्न।